आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का स्पेशल बुलेटिन और मेरे साथ है पिंकी खंडेलवाल। एंटीलिया केस में साजिश का नया वीडियो सामने आया है। 17 फरवरी की रात के इस फुटेज में मनसुख हिरेन मुंबई में सीएसटी के पास एक वॉल्वो कार में बैठता है। आशंका है कि इस कार को सचिन वाजे चला रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद एनआईए इसके जरिए एंटीलिया विस्फोटक कांड में सचिन वाजे और मनसुख के तार जोड़ रही है। महाराष्ट्र में वसूली को लेकर आरोपों के बीच शिवसेना कांग्रेस में नया घमासान छिड़ गया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने आज यूपीए में बदलाव की मांग करते हुए सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग कर दी। इस सुझाव पर कांग्रेस हो गई नाराज। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले दौर का प्रचार आज शाम 6:30 बजे थम जाएगा। आज बीजेपी की तरफ से अमित शाह, सीएम योगी, मिथुन चक्रवर्ती प्रचार कर रहे हैं। पुरुलिया की रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दीदी को हराने के लिए बंगाल की जनता तैयार है। वहीं दक्षिण 24 परगना की रैली से ममता ने केंद्र सरकार पर बंगाल से पक्षपात का आरोप लगाया। देश में एक बार फिर तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। 24 घंटे में 53,400 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए, जबकि 251 लोगों की मौत हो गई। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस हैं, जहां 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।